नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट में। मैं ब्रजेश मिश्रा आज बात करूंगा ट्रांसपोर्ट की किसी एक ऐसी समस्या पर जिससे ट्रांसपोर्टर्स को एक खुशखबरी मिलने वाली। जी हाँ, खुशखबरी जिससे मिलेगी उसी के मुंह से जानेंगे कि आखिर वो खुशखबरी क्या है जिससे ट्रांसपोर्टर्स की जो सबसे बड़ी समस्या थी उसका समाधान होता नजर आ रहा है। स्वागत है श्याम सुंदर। नमस्कार। आपको बता दें, श्याम सुंदर जी दिल्ली NCR ट्रांसपोर्ट एकता मंच के महासचिव हैं, जो पीछे कई समय से ग्रीन टैक्स को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन एक हल्की सी अब उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई है और इन्हीं से सुनते हैं कि आखिर वो उम्मीद की किरण क्या है। जी श्याम सुंदर जी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक बहुत खुशखबरी आपके माध्यम से मैसेज आ रहा है ग्रीन टैक्स को लेकर, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए ब्रजेश जी, मैं पहले तो वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट की टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस समस्या पे विचार रखने के लिए बुलाया। ब्रजेश जी, हम पिछले 2-2.5 साल से इसके लिए संघर्षरत हैं। मौजूदा सभी सरकारों से, दिल्ली सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से, सभी से हमने ग्रीन टैक्स को लेके उसके निदान की तरफ ध्यान दिलाया, उनसे गुजारिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। लास्ट में हमने इन सब सरकारों से निराश होकर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया और हमें कल जो 22 तारीख थी, 22 अक्टूबर को हमारी एक वहाँ पिटीशन स्वीकार कर लिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और उस पर विचार के लिए 29 तारीख को चीफ जस्टिस साहब के अदालत में वो रखी गई है कि ग्रीन टैक्स जो इन्होंने हमारे पे थोपा था वो बिल्कुल निराधार है। हम वहाँ अपनी बात को कहने में पूरी तरह सक्षम है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात को बड़े अच्छे से रख देंगे। हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं इस बात के। इन्होंने जोर जबरदस्ती करके ऐसी खामखा गाड़ियों पे वो ग्रीन टैक्स थोप दिया, जबकि गाड़ियों से किसी तरह का प्रदूषण नहीं है, ना ये प्रमाणित कर सकते हैं। हम जिस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं इस बात के, हम प्रमाणित कर देंगे अपनी बात को। यानी अगर ये देखा जाता है, सुप्रीम कहते हैं कि सुप्रीम के जो आंखों पर जो पट्टी है वो इसलिए होती है क्योंकि उसकी नजरों में सब समान है। जिसके सबूत का पलड़ा भारी होता है वो उसकी तरफ उसका तराजू झुक जाता है। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि आपके पास साक्ष्य हैं, सबूत है, तो ग्रीन टैक्स खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जो हमारे पास साक्ष्य हैं, वो हमारे साक्ष्य जो है हमारे पास, वो हमारे अपने घर के नहीं है। दिल्ली प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट है, सेंट्रल प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट है, उन रिपोर्टों के आधार पे जिन लोगों ने ग्रीन टैक्स लगाने की सिफारिश की थी सरकार के माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने, कि चाहे वो दिल्ली सरकार रही हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट रही हो, उन्होंने जो साक्ष्य देके उनको कहा, यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने गुमराह किया, साक्ष्य सही नहीं पेश किए। आज उन्हीं के साक्ष्य हमारे पास है जिसके आधार पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें नियंत्रण, हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी साक्ष्य देखेंगे तो बिल्कुल हमें रिलीफ देंगे। हमें हमारी कागजों को देख के हमें लगता है कि हमें वो आशा की किरण नजर आ रही है जिसके आधार पर कल हमारी पिटीशन एक्सेप्ट हुई है। तो हमें जल्दी ही हमारे जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लोग जुड़े हुए जो साथी है, जो ग्रीन टैक्स बराबर पे कर रहे हैं पिछले 3 साल से, तो उनको राहत मिलने के पूरे संभावना। ये जानना चाहेंगे श्याम जी कि ग्रीन टैक्स से क्या मिली, क्योंकि आप मिनी कमर्शियल व्हीकल देखते हैं, टैक्स सेगमेंट आपका है पूरा नॉर्थ इंडिया में, उन्हीं को ज्यादा नुकसान है या हर हैवी व्हीकल्स को भी नुकसान था? नहीं, नुकसान तो सभी को है, काम चाहे कोई छोटा करे चाहे बड़ा करे, ग्रीन टैक्स तो सबको देना पड़ रहा था। तो फिर क्या कारण है कि दिल्ली NCR ट्रांसपोर्ट एकता मंच ने ही इसकी स्टार्ट शुरुआत करी? बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, उन्होंने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया कि ग्रीन टैक्स अगर गली की हड्डी है ट्रांसपोर्टर्स ट्रेड के लिए, उन्होंने उस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? देखिए ब्रजेश जी, जहाँ तक ध्यान देने की बात है, तो इस देश में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है, देश आजाद भी नहीं हुआ तो 1936 का बना हुआ संगठन है और नियंत्रण बहुत बड़ी ताकत है, बराबर काम करते हैं ट्रेड बचाने के लिए, रोजी रोटी बचाने के लिए, लेकिन वो दिखावा ज़्यादा और काम कम करते हैं, जमीनी काम कम करते हैं। मैंने इस मुहिम में, हमने उन सभी संगठनों से जो इसमें कार्यरत है सबसे गुजारिश की थी, सभी से कहा था भाई आप इसको आगे बढ़े, क्योंकि एक आदमी नियंत्रण काम करता है, हमारे से पहले जो काम कर रहे हैं हम उनसे सबसे कहा हमने कि भाई इस काम को आगे बढ़ाएं, लेकिन किसी ने रुचि नहीं दिखाई। तो जब नहीं दिखाई तो मेरी तो रोजी रोटी है, तो मैं अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए नहीं लड़ूंगा। जिस संगठन को मैं चलाता हूँ, लाइट और मीडियम कमर्शियल गाड़ियों का हमारा संगठन है दिल्ली NCR में, हम काम करते हैं लगभग 200 किलोमीटर दिल्ली की रेंज में हमारा संगठन काम करता है, तो ज़्यादा प्रभावित हम लोग हुए, क्योंकि हम दिल्ली में हम रहते हैं, दिल्ली में हमारी गाड़ी रजिस्टर्ड है, जब हम घर खाली करके जब वापस आते हैं तो हमें ग्रीन टैक्स से 700 रुपये पे करने पड़ते हैं, यानी कि मुझे मेरे अपने घर आने के लिए मुझे 700 रुपये देने पड़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा कष्ट मुझे था, यानी कि मेरे जो मेरे सेक्टर से जुड़े जो मेरे कैटेगरी के लोग काम करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, लाइट और मीडियम गाड़ियों वाले, उनको ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो हमने इसके लिए उन सब लोगों से रुष्ट हो गए, उन सब लोगों से निराशा हाथ लगने के बाद हमने ये कदम बढ़ाया और हम निरंतर सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें सफलता नजर मिलती नजर आ रही है। AMTC
ग्रीन टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं अपना भाई, दिल्ली एनसीआर की ट्रांसपोर्ट संस्था जो आप चलाते हैं एकता मंच, अभी कितने वर्षों से काम कर रही है? हमारा जो दिल्ली से ट्रांसपोर्ट एकता मंच का, हम इन जितने भी अभी मैंने नाम बताए जो अब हमारे से पूर्व के जो संगठन काम कर रहे थे दिल्ली, अब मैं दिल्ली एनसीआर अगर एकता मंच की बात करूं तो कितनी समय से आप अभी काम कर रहे हैं? मैं वही आपको बता रहा हूं बिल्कुल जी, अभी सब लोगों से रुष्ट होकर हमने 25 जनवरी 2017 को दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच का गठन किया और तब से ही हम नियंत्रण उस बैनर तले हम काम कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच के बैनर तले ही हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन गई है वो भी एकता, वो दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच के माध्यम से। किस तरह देखते हैं कि एक साल के अंदर आपकी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट की जो सबसे बड़ी समस्या थी ग्रीन टैक्स, जिससे बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर की जो रोजी रोटी थी वो खतरे में पड़ गई थी, इतनी कमाई नहीं हो पा रही थी, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था, फिर भी काम चल रहा था ट्रेन का, दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच ने एक साल के अंदर करके दिखा दो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डालकर कि हम ट्रांसपोर्टर्स के साथ हैं, एएमटीसी इस तरफ ध्यान नहीं दे पाई, किस तरह देखते हैं आप इसको? मैंने ऐसा महसूस किया कि एएमटीसी के जो लोग जुड़े हुए हैं, ज्यादातर जो बड़ी हैवी गाड़ी जो ऑपरेट करते हैं वो सभी ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, वो दिल्ली में एक बार आए, महीने में एक बार आए और भर के चले गए, तो उनको इतना महसूस नहीं होता, तो इसलिए हो सकता है उन्होंने इसलिए रुचि ना दिखाई हो। लेकिन जो दिल्ली एनसीआर में लाइट और मीडियम गाड़ी वाले हैं वो अक्सर हम रोज चक्कर मारते हैं, गाजियाबाद एनसीआर में जाते हैं, एनसीआर में चक्कर मार के जब वापस घर आते हैं तो ग्रीन टैक्स हमें बहुत महसूस होता है। अगर हमारा 1500 रुपये भाड़ा तो 700 वहाँ निकल जाता है, 700-800 रुपये में हमें संतोष करना पड़ता है, उसमें हमारा गाड़ी का मेंटेनेंस भी होता है, गाड़ी के ड्राइवर की तनख्वाह भी है, सारा सब कुछ उसमें करना पड़ता था, तो सबसे ज़्यादा हमें चुभनती इस बात की। और ये हो सकता है कि उनकी गाड़ी महीने में एक बार आती है, उनको नहीं लग रहा और इसलिए उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ आपकी तारीख 29 पड़ने वाली है जिसमें वो विचार किया जाएगा उसके ऊपर। कहते हैं कि कोर्ट की जो संघर्ष होता है सालों साल चलता है, क्या लगता है कि ग्रीन टैक्स पे कितनी जल्दी ट्रांसपोर्टरों को राहत मिल सकती है या कितनी जल्दी फैसला आ सकता है? देखिए ब्रजेश जी, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अब उन्होंने हमारी बात को, हमारी जो अपील है उसको एक्सेप्ट करा है, सुनने के लिए तैयार है, तो बस अब वो भी जब तक सुनेंगे नहीं तो तब तक हमें क्या राहत मिलेगी, लेकिन ये जरूर है कि हमें राहत मिलेगी, क्योंकि हमारे जो जो साक्ष्य माननीय सुप्रीम कोर्ट को देने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं, जिस आधार पे हमने उनको ये अपील दायर करी है, तो हमारे पास साक्ष्य मजबूत है कि उस पर हमें राहत मिलेगी, मुझे उम्मीद है बहुत जल्द मिलेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप ग्रीन टैक्स के लिए जो काम कर रहे हैं, और ये हमें उम्मीद है कि आपके जो ये संघर्ष है ये लगातार जारी रहेगा और आगे जो और मुहिम है। अच्छा एक चीज और, ग्रीन टैक्स से ट्रांसपोर्टर्स को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, थोड़ा इस पर भी हम आपका प्रकाश जानना चाहेंगे। ग्रीन टैक्स से बहुत सारा काम घट गया था, क्योंकि जो पार्टी अभी 1500 रुपये पे करती है उससे अगर 1400 रुपये ग्रीन टैक्स मांग लो, ग्रीन टैक्स लगता था तो वो नहीं देने को तैयार होती थी, तो काम हमारा लाइट और मीडियम गाड़ियों का ज़्यादा प्रभावित हुआ। जो आदमी एक यानी कि 3 टन माल भेजता है तो वो फिर 15 टन की गाड़ी लगाने लगा, क्योंकि उसको एक ही बार पैसे देने पड़ेंगे, और 3-3 टन की गाड़ी लगाएगा तो 5 बार ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा, तो वो काम हमारा घट के बिल्कुल मतलब आपको क्या हूँ तो 10% रह गया, क्योंकि वो काम बड़ी गाड़ियों में तब्दील हो गया, क्योंकि वो 15 टन एक बार ले जाती है और हमारी 3-3 टन लेके जाएगी तो 5 बार जाएगी, तो वो 5 बार ग्रीन टैक्स देना पड़ा, उसको एक ही बार देना पड़ा, तो इससे हम ज्यादा प्रभावित हुए। ग्रीन टैक्स को लेकर ये भी खबरें हैं ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कि ग्रीन टैक्स से कुछ फायदा तो हुआ नहीं, सरकार ने जो बोला था कि ग्रीन टैक्स से जो रेवेन्यू होगा उसको हम प्रदूषण की रोकथाम के लिए यूज करेंगे, पेड़ पौधे दिल्ली में लगाए जाएंगे, हालांकि उन्होंने तो पेड़ पौधे लगाए नहीं लगाए वो बात का मैटर, लोगों ने ये मुहिम चालू करी दिल्ली में पेड़ पौधे लगाने की, जिसकी वजह से इसका असर भी देखा गया। सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से बात कही गई कि बॉर्डर्स पे ग्रीन टैक्स के नाम पर उगाही वसूली भ्रष्टाचार चालू हो गया, सरकार को रेवेन्यू कहां से आएगा नहीं आएगा वो अलग अलग मुद्दा है, लेकिन भ्रष्टाचार के स्रोत जो ऑप्शन जो है सरकार ने खोलकर दे दी ग्रीन टैक्स के रूप में, ट्रांसपोर्टरों को लूटने का एक नया मुद्दा दे दिया, एक नया कानून लागू कर दिया, किस तरह से जो अधिकारी है बॉर्डर्स पे वो उनसे पैसा वसूल कर सके, क्या इस तरह के केसेस आपके सामने आए थे? देखिए ब्रिटिश जी, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है, ये ग्रीन टैक्स 7 नवंबर 2015 को ग्रीन टैक्स लगाया था, ईपीसीए के चेयरमैन है भूरेलाल जी, उनके नेतृत्व में बहुत सारी टीम काम करती है, तो उनकी सिफारिश में सुप्रीम कोर्ट ने ये लागू किया था, तो मेरे पास इस बात की प्रमाणित ठोस सबूत हैं, इन्होंने 2015 से लेकर और 2000 नवंबर 2017 तक यानी कि पूरे 2 साल इन्होंने 1087 करोड़ रुपए हमारे से ग्रीन टैक्स के रूप में वसूले हैं, दो साल में और 2017 से लेके अब नवंबर आने वाला है, अगला महीना नवंबर का ही है, तो लगभग 500 करोड़ और गिन लीजिए, यानी कि लगभग इन्होंने हमारे से 1500 करोड़ रुपए हमारे से अब तक वसूल लिए, और पोल्यूशन के एनवायरमेंट में इन्होंने
कुछ भी अगर मैं कहूँ तो ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि इतने पैसे भी इन्होंने खर्च नहीं करे। आपने पैसा तो हमारे से लिया, हम ECC, ये ग्रीन टैक्स तो हम अपनी भाषा में कहते हैं, सरल भाषा में ECC चार्ज, कंपनसेशन चार्ज ले रहे हैं, यानी कि हम पोल्यूशन फैला रहे हैं तो हमारे से कंपनसेशन चार्ज ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, भूरे लाल जी EPC के चेयरमैन है, वो इस पोल्यूशन के मैटर को देखते हैं, जब आपको हमारे से चार्ज ही लेना है, कंपनसेशन चार्ज ही लेना है, तो गाड़ी बंद करने जैसा निर्णय लेने से क्या फायदा है। अगर आप ये भूरे लाल जी भी, मैंने भूरे लाल जी को भी चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है, वो भी जवाब नहीं दे पाए। हमने उनसे पूछा क्या आपके ग्रीन टैक्स हमारे से ECC चार्ज लेने से क्या आपका पोल्यूशन कम हो जाता है? नहीं होता, पोल्यूशन का बढ़ा है। अभी हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस बात को साबित कर देंगे कि नवंबर 2015 से पीछे जो पोल्यूशन था और ग्रीन टैक्स लगाने के बाद पोल्यूशन कितना बढ़ गया है, यानी कि डबल हो गया है। ये मैं प्रमाणित कर दूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब जाऊंगा। अगली पेशी हमारी 29 तारीख को, 29 अक्टूबर को ही अभी हमारे को सुप्रीम कोर्ट में पेशी है, तो हम वहां जाएंगे तो हम प्रमाणित कर देंगे हम गलत हैं या वो गलत हैं। तो अभी जिन लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए प्रेरित किया, ग्रीन टैक्स लगाने के लिए प्रेरित किया कि भी आप लगा दीजिए, उन लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया है। 1500 करोड़ आप बता रहे हैं श्याम जी, और जब 1500 करोड़ जब ये शुरू किया था तो सरकार ने बोला था कि वैक्यूम क्लीनर से सड़कें साफ होंगी, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, CCTV सारे बॉर्डर्स पे लगाया जाएगा। वो 1500 करोड़ फिर कहां गया, यूज कहां हुआ है गवर्नमेंट को? क्योंकि वो तो ग्रीन टैक्स के नाम पे लिया गया और ग्रीनरी के लिए ही लगाना था गवर्नमेंट को, तो प्रदूषण कम करने के लिए लगाना था, तो वो कहां गया? ये भी एक सवाल बनता है आप लोगों की तरफ। देखिए ब्रजेश जी, जहां तक आप खर्च करने की बात कर रहे हैं तो मैंने पिछले 2 साल के आंकड़े बताए हैं, ये बिल्कुल कागजी सबूत के साथ मैंने आपको बताया। नवंबर 7 नवंबर 2015 से लेके और 7 नवंबर 2017 तक इन्होंने 1087 करोड़ रुपए हमारे से लिए हैं, और दिल्ली सरकार ने उसमें से 99 लाख रुपए ओनली खर्च करे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली सरकार की रिपोर्टें कहती हैं, अखबार में ये खबर उनकी प्रकाशित हुई है। तो कहने का मतलब है, जब आप जिस चीज के लिए हमारे से पैसा ले रहे हो उस पर खर्च करो तो फर्क आपको दिखाई देता है, कहीं भी कुछ नहीं होता है। जबकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली में होने वाला प्रदूषण, यानी कि मेरी घर की रिपोर्ट नहीं है, कानपुर IIT का शोध कर हुई रिपोर्ट है, उन्होंने इस बात को माना है, EPCA ने भी माना है कि 56% पोल्यूशन विकास कार्यों से होता है, डस्ट से होता है। और जबकि पूरी गाड़ियों के, टोटल गाड़ियों की मिला दें, कमर्शियल प्राइवेट सारे व्हीकलों को हम अगर जोड़ दें तो 14% पोल्यूशन होता है, उसमें प्राइवेट कारें भी हैं, ऑटो भी हैं, टैक्सी भी हैं, सब ट्रक टेम्पो सब है। तो 14% वालों को तो ये 100% यानी कि 100% फांसी लगा रहे हैं, और जो 56% कर रहा है उसको 1% भी फांसी नहीं लगा रहे हैं। और तो ग्रीन टैक्स कम भी होना चाहिए था, क्योंकि जो मेन इशू था दिल्ली से जो गाड़ियां पास जाती थी अंदर से, लेकिन वो गाड़ियां अब एस्टेट पेरिफेरल जो बन गया है वहां से सीधे निकल जा रही है, तो प्रदूषण तो वैसे भी लेवल डाउन हुआ, लेकिन उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब जहां तक आप ईस्टर्न फेरीवेल जो रोड नया बनाया है, जो पीछे चला है, आपकी बात ठीक है, जब गाड़ी दिल्ली में आई नहीं रही है तो पोल्यूशन कहां से आएगा, लेकिन इनका पोल्यूशन स्तर फिर बढ़ता जा रहा है। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, चाहे गाड़ी छोटी है चाहे बड़ी है, जब गाड़ी आई नहीं रही तो पोल्यूशन कहां से आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी, आप आया और ग्रीन टैक्स को लेकर आपकी जो लड़ाई है हम उसको आप बधाई देते हैं और तारीफ करते हैं कि आप ट्रांसपोर्टर्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके खर्चे ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं हम वेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी संस्था अगर जा रही है तो तारीफ के काबिल यकीनन काम है आपका। तो आपने देखा कि ग्रीन टैक्स को लेकर दिल्ली NCR ट्रांसपोर्ट एकता मंच जो संघर्ष कर रही है, बाकी तारीफ के काबिल है। और अगर ये जो संस्था है, अगर जो इनकी डिमांड है, जो इनकी मांग है, सुप्रीम कोर्ट को जाते हैं और इसको पूरा कर पाती है, वो ट्रांसपोर्टर को ग्रीन टैक्स नामक जो गले में हड्डी फंसी हुई उसको निकालने में कामयाब होती है, तो इस संस्था का वाकई एक बड़ी उपलब्धि होगी। हम फिर हाजिर होंगे ट्रांसपोर्ट किसी नए मुद्दे पर, जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।